हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद और आपका स्वागत है अब्रॉड ओवरसीज जॉब्स में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में, यानी कि गल्फ यूरोप या किसी भी कंट्री में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम इसी तरह के जॉब ओपनिंग्स हमारे इस चैनल पे डेली डालते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब ओपनिंग से। और आज की पहली रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए, जिसका कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा आज ही 20 नवंबर संडे। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है: ऑपरेशन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्रेन सेक्शन हेड जो कि क्रेन रेंट्स प्लानिंग और मार्केटिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट इंचार्ज शटडाउन मैकेनिकल ऑयल और गैस के लिए, मार्केटिंग और बीडी कस्टमर केयर कोऑर्डिनेटर, और हाइड्रो जेटिंग इंचार्ज, और टैंक रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिकल इंजीनियर, और प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर और एस्टीमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज इसका लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इमिजिएटली आप इन्हें अभी के अभी इनके दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और आप इन्हें ना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हो, आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है यूएई के लिए, एसएन स्टील इंडस्ट्रीज का, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसका भी क्लाइंट इंटरव्यू आज ही होगा 20 नवंबर संडे, और ये होगा मुंबई में ये सीगल के ऑफिस में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है: स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स, जिसमें 120 लोगों की जरूरत है, और ईओटी ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर्स, इसमें 60 लोगों की जरूरत है, और मशीन ऑपरेटर्स, इसमें भी 100 लोगों की जरूरत है, और वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर्स, इसमें भी 100 लोगों की जरूरत है। ये वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर जो रहेगा वो गैस कटिंग और बीम स्ट्रेटनिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए, और रेजर्स की रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की, और गैस कटर्स की रिक्वायरमेंट है 50 लोगों की। और इन सभी पोस्ट के लिए आपको कंपनी के द्वारा रहना, खाना और ट्रैवलिंग का दिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इमिजिएटली इन्हें अभी के अभी इनके दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आज ही होगा मुंबई में अंधेरी में। तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है एक एचवीएसी मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का है सऊदी अरब के लिए, और इसकी शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है वो आज ही होगा मुंबई में, और इसका दूसरा इंटरव्यू होगा 24 नवंबर को हैदराबाद में। और ये रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है: चिलर टेक्नीशियंस और एचवीएसी टेक्नीशियंस। इसके लिए आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इंग्लिश आना जरूरी है, और आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एचवीएसी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग में। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 40 साल, यानी कि 40 साल से ज्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको ओवर टाइम और बाकी सारे बेनिफिट जो होते हैं वो कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप इमिजिएटली इन्हें अभी के अभी कांटेक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे, और आप इंटरव्यू के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि आज मुंबई में इसका लास्ट डेट है और 24 नवंबर को हैदराबाद में होगा इंटरव्यू। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये अल बेक कंपनी के लिए है। ये एक्चुअली बर्गर कंपनी है या पिज्जा की है, नॉट श्योर। और ये इंडिया के लिए ही है रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट भी इस तरह से: रेस्टोरेंट मैनेजर और रेस्टोरेंट सुपरवाइजर और क्वालिटी कंट्रोल कोच। इसका इंटरव्यू जो होगा वो कल यानी कि 21 नवंबर को होगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, इमीडिएटली आप इन्हें कॉल कीजिए इनके दिए गए नंबर पे, और ये इंटरव्यू होगा मुंबई में ही होगा।
ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। ये रिक्वायरमेंट जो है ये भैरन के लिए है, एक रिफाइनरी शटडाउन प्रोजेक्ट है और इसका भी क्लाइंट इंटरव्यू आज ही होगा 20 नवंबर संडे। और ये रिक्वायरमेंट जो है कुछ इस तरह से है, शटडाउन प्लानर, इसमें 5 लोगों की जरूरत है। सुपरवाइजर पाइपिंग के लिए, इसमें 15 लोगों की जरूरत है। और सुपरवाइजर कॉलम्स एंड वेसल्स के लिए, इसमें 13 लोगों की जरूरत है। और शटडाउन फोरमैन, इसमें तकरीबन इसमें भी 13 लोगों की जरूरत, इसमें 13 लोगों की जरूरत है। और पाइप फैब्रिकेटर्स, इसमें 15 लोगों की जरूरत है। वेसल फैब्रिकेटर्स, इसमें भी 15 लोगों की जरूरत है। और रिजर्व्स ग्रेड ए के लिए 25 लोगों की जरूरत है। और पाइप फिटर्स, इसमें भी 25 लोगों की जरूरत है। और असिस्टेंट पाइप फिटर्स, इसमें भी 25 लोगों की जरूरत है। और 6G ARC वेल्डर्स, इसमें 18 लोगों की जरूरत है। और 6G PIG प्लस ARC वेल्डर्स SS, इसमें 16 लोगों की जरूरत है। और 6G PIG प्लस ARC वेल्डर्स CS, इसमें 15 लोगों की जरूरत है। और 2G 3G प्लेट वेल्डर्स SS, इसमें 22 लोगों की जरूरत है। और इसके अलावा मैकेनिक फिटर्स जो कि कॉलम और वेसल्स के लिए, और मैकेनिक हेल्पर्स कॉलम एंड वेसल्स के लिए, दोनों पोस्ट के लिए 25-25 लोगों की जरूरत है। और इन सभी पोस्ट के लिए आपको शटडाउन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है स्टैटिक इक्विपमेंट में, जैसे कि हीट एक्सचेंजर हो गया, कॉलम्स हो गया, बॉयलर्स, फर्नेसेस, टैंक्स, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अगर आपने रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल या ऑयल एंड गैस में काम किया है तो आपको इजीली ये जॉब मिल जाएगा। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, तो आपके पास इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और आप इन्हें इमीडिएटली अभी के अभी कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे, क्योंकि आज इनका लास्ट डेट है इंटरव्यू का। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है सऊदी अरब के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो रहेगी 2000 दिरहम। इसमें आपको कंप्यूटर यूज करना आना जरूरी है, और आपको एक्सेल पावर पॉइंट की नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आपने डेटा एंट्री का काम अगर आपको आता है तो इजिली आपको ये जॉब मिल जाएगा। प्लस आपको इंग्लिश बोलना और लिखना आना जरूरी है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा कंपनी के द्वारा। और अगर आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको रहना, खाना और ट्रैवलिंग का दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप इन्हें अपना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ओमान के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, सिविल इंजीनियर। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 300 ओमानी रियाल। और सिविल फोरमैन, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 160 ओमानी रियाल। और मेसन और स्टील फिक्सर और कारपेंटर, इन तीनों पोस्ट में सैलरी आपकी रहेगी 140 ओमानी रियाल। और हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, इसकी सैलरी रहेगी 120 ओमानी रियाल। और स्किल्ड हेल्पर जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 150 ओमानी रियाल। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 170 ओमानी रियाल। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 350 ओमानी रियाल। और इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट है, मशीनिस्ट की, लैथे मिलिंग मशीन ऑपरेटर, ज्वेलरी सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। और एस्टिमेशन टेंडर कोटिंग मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो इनमें से किसी भी जॉब का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आप ये जॉब अप्लाई करना चाहते हो ओमान में, तो आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे, और आप अपना बायोडाटा और सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में या किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है
इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियो जो होते हैं डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।